ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज फिक्स्ड इनसाइड इट। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके बीच में केवल एयर फिल है या फुल फ्लैश के मीडियम कोई उसके अंदर फील्ड है। अब ये हमने टी विड्थ की डाई इलेक्ट्रिक प्लेट हमने फिक्स की हुई है इसके बीच में। ये प्लेट ए है जिसको पॉजिटिव सोर्स से जोड़ा गया है। जैसी एक अर्थ दूसरी प्लेट यहाँ पे इसके पैरेलल में लगाई जाती है तो इसके ऊपर एक चार्ज इंड्यूस हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए टू बी, डी इसकी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ए एंड बी, एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक, इन दिस कंडीशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पोलराइजेशन। ठीक है, जैसे ही कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसके बीच में रखा जाता है तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं उनमें एक मोमेंट डेवलप हो जाता है, मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से उनका नेगेटिव पोर्शन तो पॉजिटिव की तरफ आ जाता है और पॉजिटिव पोर्शन नेगेटिव की तरफ आ जाता है। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, मैंने उस दिन बताया था। अच्छा, इस ये इतना सारा काम हो गया इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में, इतना बड़ा काम हो गया है ना भाई, पॉजिटिव इधर आ गया और नेगेटिव इस पॉइंट के पास आ गया, पॉजिटिव इस बी प्लेट के पास आ गया। इसके लिए एक वर्क करना पड़ा, किसको, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये वर्क इस डिवाइस के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और ये डिवाइस एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। इस डिवाइस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, टेलीविजन, रेडियो, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं होना चाहती, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसको। किसी गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं तो इनर्शिया की वजह से उसको में पहला गियर ज़्यादा रेस लगानी पड़ती है, उसके बाद कम में काम चल जाता है। फैन में भी कंडेंसर लगाना पड़ता है ना, तो इन ये कैपेसिटर डीसी कैपेसिटर तो रेडियो वगैरह में लगता है जो डीसी से चलते हैं, इसमें कंडेंसर, फैन में कंडेंसर यूज होता है जो एसी से चलते हैं, कि ये एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। क्यों, आने वाले जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इनको घुमा नहीं पाएगी, क्यों, इनके अंदर इनर्शिया आ गया है, ये नहीं चल सकते, इसलिए इनको दोबारा कर एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो वो पहले से ही कंडेंसर और टेलीविजन वगैरह में लगे हुए जो कैपेसिटर होते हैं वो उस काम को करते हैं। ठीक, अब ये समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है और यही एनर्जी इसके अंदर स्टोर है। ठीक, अब हम वो कैपेसिटी का फॉर्मूला बस यहाँ पर ड्राइव करना चाहते हैं कि ये कैपेसिटी का फॉर्मूला एक्चुअली इस केस में क्या होगा। या तो फुल एयर है, वो हमने सी नॉट यूज किया था, अब डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी, लेकिन अब कुछ हिस्से में तो है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस और कुछ हिस्से में है स्पेस एयर जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 1 है। ये एयर है, इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 1 और इस पॉइंट का क्या है के, ये के डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, इसमें मैंने लिख दिया ये। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या है कैपेसिटर का, कैपेसिटी फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ओके, यहां पर वी दो हो जाएंगे, एक तो इस सिस्टम की वजह से जो ए और बी प्लेट है इनका पोटेंशियल, और एक प्लस माइनस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई डैश है और जिसकी डायरेक्शन एस इस तरह से है प्लस से माइनस तरफ। तो ई क्या है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल रखता है, वी इसका अपना पोटेंशियल होगा, तो हम V के प्लेस पे क्या रखेंगे, V1 प्लस V2। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने इस तरह से तो फाइंड किया है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट फाइंड करते हैं V1, दूसरे चार्ज की वजह से हम V2 फाइंड करते हैं, फिर सभी को हम V1 प्लस V2 करते हैं ना? तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दोनों का V1 और V2 हम ऐड करेंगे। ठीक, तो V1 क्या हो जाएगा, तो हमने बता रखा है कि डिनोमिनेटर को ही डिस्प्लेस करना है, क्यू अपॉन V1। V1 क्या हो जाएगा, ई इंटू डी, यानी V1 तो इस पॉइंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है ई इंटू डी। अब एक्चुअली डी तो ये है ना, अब डी नहीं रहा, ये थोड़ा सा घट गया है, टी घट, डी माइनस टी, ये क्लियर, प्लस। अब इस पॉइंट को देख लो, E डैश टी क्या हो गया, ये E डैश टी।
अब E को डिस्प्लेस करना है यहां से भी और यहां से भी, करो। E क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टी माइनस टी, और प्लस E डैश क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। E डैश है ना? E डैश, E की वैल्यू डिक्रीज होती है जब किसी कहां डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाता है, तो E की वैल्यू डिक्रीज, के टाइम डिक्रीज हो जाती है, के से डिवाइड कर दिया इनटू टी। ओके, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं यहां से, यहां से डी माइनस टी बचा भाई, और यहां से टी अपॉन के बचा। ये बात समझ में आई? और सिग्मा क्या है? क्यू अपॉन ए। इस सिग्मा को डिस्प्लेस कर दो, ठीक, तो करें सी इक्वल टू क्यू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी प्लस टी बटे के। क्यू से क्यू कैंसिल, ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा और आपका फॉर्मूला आपके हाथ में आ जाएगा। ये रिजल्टेंट फॉर्मूला हमारा, ठीक है। अब देखो जरा, टी को बिल्कुल साफ कर दो, हटा दो टी को, हटाओ टी को, जीरो कर दो। बोलो इफ टी जीरो, तो यहां से खत्म, यहां से टर्म खत्म। सी क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये सारे के सारे में जब टी हटा देंगे यहां से, ए वाला फॉर्मूला हो जाएगा ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और अगर अगर इसके डाइलेक्ट्रिक को मैं पूरी यहां से लेकर यहां तक फिल कर दूं, स्पेस छोड़ू ही ना इसमें, तो फिर क्या करना पड़ेगा? डी बराबर टी। इफ ये डी डायरेक्ट टी के बराबर हो जाएगा, डी इज इक्वल टू टी, तो हमारा फिर वो के वाला फॉर्मूला आ जाएगा यूज होके। तो क्या डी की जगह टी रखो तो ये टर्म खत्म हो जाएगी भाई, डी माइनस डी जीरो, और टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा? डी, तो डी बाई के बचेगा है नीचे से, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई के ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या होगा? C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो वही फॉर्मूला, तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ठीक है। हम T को बिल्कुल भी खत्म कर सकते हैं और सारे में दोनों प्लेटों के बीच में हम प्लेट को रख भी सकते हैं। ऐसी ऐसी मोटाई की T1, T2, T3 मोटाई की बहुत सारी प्लेट हो सकती हैं, जिनका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो उसके लिए हम अलग तरीके से फॉर्मूला यूज बनाएंगे। इसको देखो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस, अब ये एक टी नहीं है, ऐसी बहुत सारी टी वन प्लस टी टू है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री डॉट 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 है प्लस टी वन अपॉन के वन, ठीक है। नहीं चमक रहा? इसको ये डिनोमिनेटर में डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री और प्लस में टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम एक और नया तरीके का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ? टी अपॉन के नहीं बल्कि टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू, यानी एक प्लेट ना होगा, बहुत सारी प्लेट हो T1, T2, T3 विड्थ की और K1, K2, K3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की, तो हम इस तरह से हम C की वैल्यू को वेरी कर करके हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, थैंक यू भाई।